फाफाडी चौक स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को बेरहमी से हथौड़ी से मारकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। आरोपी ने पूछताछ में रकम को लेकर हुए विवाद की वजह से घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। आरोपी के कब्जे से लूट की रकम 38,510 रुपए के साथ घटना में प्रयुक्त हथौड़ी, ग्लव्स और बैग को जब्त किया गया है। बता दें कि फाफाडी चौक स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र में काम करने वाले याला प्रकाश को लगभग शाम 5 बजे एक युवक ने सिर पर हथौड़ी मारकर काउंटर में रखी रकम को लूट के ले गया था। हथौड़ी की मार से संचालक का भेजा बाहर आ गया था, जिसे उपचार के लिए नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने संचालक के भाई की रिपोर्ट पर धारा 394 भादवी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में जुटी टीम को आरोपी की पहचान बलौदा बाजार के ग्राम बरड़ी निवासी अभिषेक यादव के रूप में की गई है। कई सारे फुटेज इसमें खंगालने पड़े, कई सारे टावर डैम करना पड़ा और उसके पश्चात जो आरोपी है वो पकड़ में आया है। आरोपी का नाम अभिषेक यादव है, 22 वर्ष का है, बलौदा बाजार जिले के सुरेला थाना क्षेत्र के ग्राम का रहने वाला है। कुछ महीने से सिलतरा में कमरे में किराए पे रहना था। इसके अलावा ये पहले फैक्ट्री वगैरह में काम किया हुआ है, अभी डिप्लोमा की पढ़ाई भी साथ में कर रहा था। तो इसने जो घटना किया है, घटना के पश्चात इससे उसको गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ में इसने बताया कि ग्राहक सेवा केंद्र में कुछ 3,000 रुपये के ट्रांजेक्शन को लेकर के इसकी बहस हुई थी लगभग 1 महीने पहले, और एक दोबारा और भी ग्राहक सेवा केंद्र गए और उनका जो आपस का विवाद था वो रिजॉल्व नहीं हुआ था, उसी गुस्से में ये घटना करना आरोपी ने बताया है। उसके और उसकी पूछताछ की जा रही है और इसके बाद उसको रिमांड में। दूसरा